खरगोन जिले के गोगांव से एक दुख भरी खबर सामने आई है, जहां तालाब में नहाने गए दो बच्चों के डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे शाहपुरा इंदिरा आवास के पीछे तालाब में नहाने गए थे। मंगलवार दोपहर को 6 बच्चे ग्राम शाहपुरा इंदिरा आवास के पीछे बने तालाब में नहाने के लिए गए थे, जिसमें से 3 बच्चे तालाब में नहाने के लिए उतरे, वहीं 3 बच्चे बाहर खड़े देख रहे थे। तालाब में नहाने उतरे दो बच्चों को तैरना नहीं आने के कारण वह पानी में डूब गए, वहीं एक बच्चा तैर कर बाहर निकल गया। तालाब में डूबने की सूचना मिलते ही गोगांव पुलिस टीम गोताखोर को साथ लिए घटना स्थल पर पहुंच गई, जहां गोताखोर रेवाराम भाई की मदद से तालाब में डूबे दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाल उनको गोगांव अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों का चेकअप कर उनकी मौत की पुष्टि की, जहां दोनों बच्चों का पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस खबर से पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। रात्रि 11 बजे के लगभग दोनों बच्चों की अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। रेवाराम भाई गोताखोरी। आज मंगलवार का दिन था तो मैं सब्जी की दुकान लगाई थी, लेकिन थाने से मेरे पास फ़ोन गया कि रेवाराम भाई आप जल्दी से वहाँ पे जो मायासिरी ढाबा है वहाँ की जो पीछे एक तलाई है वहाँ पे यार कोई 4-5 बच्चे पानी में कूद गए हैं, डूब गए हैं, तो तुम जल्दी से जाओ। तो फिर मैंने मोटर दुकान छोड़ी और वैसे ही मैं दुकान छोड़ के और एक मोटरसाइकिल वाले को कहा कि यार तू जरा वहाँ मायासिरी होटल तक ले चल यार, वो तलाई में 4-5 बच्चे डूब गए। वैसे ही मैं गया तो मैंने हाईबाप से ताबड़तोड़ कपड़े निकाले और मैं कूदा, गोता मारा तो एक गोता और दूसरे में तो मैं ले आया उसको, और वैसे ही मैं अस्पताल लेके आया और यहाँ डॉक्टर के सुपरद किया और वो डॉक्टर ने मरीज मरा हुआ। कितने बच्चे मृत हुए? 2 तो खत्म हो गए और एक का इलाज चल रहा है। क्या नाम लिखते? रेवाराम भाई गोताखोरी। ये इंदिरा आवास कॉलोनी के पीछे एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, वहाँ एक गोगांव के रहने वाले बच्चे साधु अबू बकर उस्मान तलाह और रेहान और मोहम्मद अफसर नहाने गए थे। इनमें से जो है दो बच्चों को तैरना नहीं आता था, 3 बच्चे बाहर खड़े हुए थे और 3 नहा रहे थे, तो नहाते नहाते अबू बकर और जो है उस्मान ये पानी में डूब गए। इसमें मोहम्मद अफसर जो चश्मदीद है बच्चा वो बच गया है, वो नहाना जानता था तो वो तैर के बाहर निकल गया, उसने इन्हें बचाने की कोशिश की थी। जैसे सूचना मिली तत्काल अपन ने तैराक भी पूछा है वहाँ पर, और तैराक के माध्यम से जो बच्चे डूब रहे थे उनको निकलवाया और तत्काल जिला चिकित्सा में ला के इलाज कराया, जिनमें से मोहम्मद अस्पाक बच गया है और जो है उस्मान और अबू बकर ये इन बच्चों की दोनों की पानी में नहाते समय डूबने से मृत्यु हुई है। और अभी जो है CH हॉस्पिटल में उनका PM कराया जा रहा है। सर क्या नाम है? महेश सुनैया खाना के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।